अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह मेरी आवाज आ रही है एक बार बता दीजिए सभी भाईया बहनें जी सर माशाल्लाह सभी लोग म्यूट रखें प्यारे प्यारे और मीठी मीठी सभी भाइयों और बहनों हम शुरू कर देते हैं आज की क्लास अल्लाह ताला के मुबारक और अजीम कलाम से अल्लाह में फरमाते हैं फद गुरूनी तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा रिमेंबर मी आई रिमेंबर यू सुबह ये कोई छोटी बात नहीं है कि अल्लाह कहता है तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हें याद करूँगा जब हमारा मालिक हमें खुद याद करेगा तो इससे बढ़कर क्या शान होगी एक बंदे की तो प्यारे प्यारे मीठी मीठी से मैं भाई और बहनों हमें हर वक्त अल्लाह ताला को याद करते रहे और अल्लाह ताला मोमिनों की सिफत यही बयान फरमाते हैं कि मोमिन लोग जो होते हैं वो हर वक्त अल्लाह ताला को याद करते रहते हैं अल्लाह ताला की इबादत और जिक्र अजगार करते रहते हैं तो एक इंसान पे हक है अल्लाह का शुक्र बजा लाए अल्लाह की इबादत करें क्योंकि बस वही एक इबादत के लायक है अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह ताला की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए आमीन या आलमीन तो चलिए आज की देते हैं मैं वाइट बोर्ड शेयर करता हूं अच्छा तो क्लास शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा जी नाम बोलूँगा आप लोग अनम्यूट करेंगे मोहम्मद रुबानी मोहम्मद वालेकल वुबानी साहब आप बता दें ऐराब किस को कहते हैं जी करना किसी चीज को जी नहीं से हम क्या समझते हैं एराब किस चीज को कहते हैं इसमें यही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं जैसे सब्जेक्ट में ये इससे पता चलेगा अगर पेश हो या आखिर में वाव हो तो वो सब्जेक्ट होगा अगर ये जबर हो या एक जबर हो या दो जबर या आखिर में अलिफ हो ऑब्जेक्ट होगा ऐसे ही जर, जरी इसके बारे में पढ़ते हैं दो जेर हो या जेर हो या आखिर में या हो तो वो जरी होगा हालत जरी होगा जरी से क्या मुराद है? हालत जरी से क्या मुराद है हम क्या समझते हैं हालत जरी से अगर कोई इस हालत जरी में है तो क्या मतलब जी कोई मसला नहीं मैं बता देता हूँ कोई और इसमें भाई या बहन अच्छा, मुझे मुझे माशाफ और में क्या डिफरेंस है? वैसे मैं आप लोगों को बता दू ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है Uh, अभी आप लोगों के बीच में मैंने एक बहुत बड़े आलिम कश्मीर के मायानास आलिम है अभी मीटिंग में हजरत मौलाना नासिर फिरदोस नासिर फिरदोस अतारी साहब ये सुनी टाइगर तो आप जानते होंगे माशा वो भी वो भी अभी आप लोगों के बीच में तशरीफ फरमा है तो इन्होंने आकर बहुत ही इज़्ज़त बख्शी मेरी ये मेरे लिए फख्र की है कि हज़रत भी तशरीफ ले आए तो मैं हज़रत का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आए और बिल्कुल दिल की उम्मीद गहराई से उनका खैर मकदम उनका वेलकम करता हूँ। अच्छा तो मैं अर्ज कर रहा था कि आप लोगों में से मुझे कोई बता सकता है इराब और हरकात में क्या डिफरेंस है सर हरकात में तीनों चीजों के हाथ कहते हैं जिसमें जब जिसमें फतह, कसरा और दम्मा तीनों चीजें आए वो हरकात बनता है लेकिन इराब जो है वो किसी हरफ किस वो हर्फ है जिसपे किसी की हालात जाहिर हो जैसे कि उसका सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट या फिर वो इलाही है या नहीं वो जाहिर करता है यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिखना चाहूंगा अगर मैं यू लिखू हाँ बोलिए बोलिए आप, आप बोलिए हाँ जी बोलिए कौन बोलना चाहता है चलिए जी मैं यूं लिख देता हूं मुझे आप बता दीजिएगा जसाक जसाकल्ला खैरा हजूर शुक्रिया आपकी दुआ साथ होगी तो इनशाला जैसे मान लीजिए मैं यूं लिख देता हूँ अगर मैं यूं जा जा मतलब आया जा आ ज़ाइदुन यानी ज़द आया ठीक है जी आप लोगों ने कैसे समझा कि ये ज़द आया है ज़द ज़र्ट है किस चीज़ से समझा आपने किस चीज़ से आप लोगों ने समझा हाँ जी अनम्यूट कीजिए कोई जी हरकत पे दो पेज हर... है दो से... पेश हैं, जी, दाल पे दो पेश, ठीक है जी, क्या इन दो पेश को एराब कहते हैं? हरका... जी सर, इन दो पेश को एराब कहते हैं या हरकत कहते हैं बोलिए? एराब कहेंगे या हरकात? एराब कहेंगे।, एर कहेंगे। आ... अब ह... क्या हरकत नहीं कहेंगे? हरकत की देखिए जबर जेर, और पेश को पेश को कहते हैं ना जबर जेर, और पेश को हरकत कहते हैं और आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ हो सकता है ना आ, क्योंकि रफिक, नफी एक पेश या दो पेश जब होता है तो यहाँ पे एक पेश भी हो सकता है एक पेश हो तो हरकत हो गई हम हरकत कहते हैं <clears throat> और हम कह रहे हैं कि ये जो ऐरब भी है अब एराब और हरकत में क्या डिफरेंस है यहाँ समझने की कोशिश करेंगे हम ये बहुत है जिसको ये समझ में आया वो समझ लीजिए कि उसने बहुत कुछ सीखा क्योंकि मैंने बहुत टाइम के बाद खुद सीखा है मुझे ये बात समझ में आई है ये अक्सर किताबों में नहीं लिखी होती देख लीजिए एराब एर हम किस चीज को एराब एर एक इसम की ना या एक की समझ लीजिए एराब एक क्लमा की वो हालत होती है ठीक है जी एराब एक कल्मा की वो हालत होती है जो उसको अंदर फाइल या मफरूल या मुजाफिल होने की सिफ़त पैदा करे ठीक है जी यानी एराब एराब वो एक क्लिमा की वो हालत है एक एकमा किसको कहते हैं इसमें खेल हरफ ठीक है जी अब इसमें हम हरफ को एक्सप्ल करेंगे इन सीखेंगे अभी एराब एक क्लम है जो हालत इस इसम में न जिस पर एरब होगा उस क्लम में या तो फाइल होने की सिफत पैदा करे फाइल इन सब्जेक्ट काम करने वाला या फिर मफूल होने की सिफत पैदा शिफत जिसपे काम किया गया हो या फिर मुजाफ अल इले मैंने आपको समझाया है मुजाफ इले होने की सिफत पैदा करे इस चीज़ को एराब कहते हैं और हरकत क्या है हरकत कुछ भी नहीं है सिर्फ आवाज है हरकत अरबी जबान में ना इन नूफ पे एक आवाज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ठीक है जी जब हम किसी पे ऐसे ऊपर किसी पे ऐसे ऊपर एक निशान लगाते हैं जिसको हम जबर कहते हैं फतहा कहते हैं ये फतहा एक हरकत है फतहा एक बा, इस डायरेक्शन में आवाज देगी ठीक है जी अगर हम कसर लगाएंगे तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आवाज़ देगी जिसको हिंदी में ना मात्रा कहते हैं और इंग्लिश में वोवेल कहते हैं यूस समझिए वोवेल्स होते हैं जो आवाज़ें देते हैं और हर का को कोई काम नहीं होता हर कार का कोई को काम नहीं होता अब एराब क्या है एराब एक इस्म की एराब फेल की सारे फेलों की नहीं किसी फेल की हमें अनशाल आगे एराब के लिए अल्लाह के माफ़ूल के लिए वो ज़ाहिर है अब एक के ये हाँ है कि जी जी इस जुमले के तौर पर यूज़ हो रहा है। अब ये एराब हमने सीखा था कल कि ये एराब जो है ना इस एराब को हम दो तीन चीजों से दिखाते हैं आवाज कट के आ रही क्या ओके जी जी, 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 जी जी मैं मैं रिपीट कर रहा हूँ कोई मसला नहीं मैं रिपीट कर रहा हूँ मैं रिपीट कर रहा हूँ जी मैंने ये बोला कि हरकत जो है ना हरकत यूं समझ लीजिए हरकत वॉवल है हरकत का सिर्फ ये काम होता है कि वो आवाज प्रोड्यूस करता है आवाज पैदा करता है अभी भी ब्रेक हो रही क्या क्या आप मेरी आवाज आ रही है जी सर ठीक आ रही है जी सुन लीजिएगा मान लीजिए मैंने यहाँ पर बात ये बात है अभी इस पर कोई हरकत नहीं है मतलब ये साकिन है ठीक है जी अभी ये साकििन है इस पर कोई आवाज इस पर कोई हरकत नहीं इससे यहाँ कोई आवाज नहीं गया अब मैं इसके ऊपर फखा रखू अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे बा। अगर मैं इसी बा के नीचे बासरा रखू अब इसको हम पढ़ेंगे बे। अगर मैं इसी बा के ऊपर गम्मा हम पढ़ेंगे इसको तो इन हरकत का सिर्फ यही काम है कि ये डिफरेंट डायरेक्शंस में आवाजें पैदा करती हैं ये वॉवल्स हैं और कुछ नहीं करते ये ठीक है जी लेकिन राब क्या करता है एराब आता जिस इसम पे एराब होगा ना एराब हमें ये चीज समझाता है कि ये की कि इस कि ये कलिमा इसम या फेल ये कलिमा एज सब जट काम कर रहा है एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है या एज मुदाफ इले काम कर रहा है ये हालत ये फाइलियत में है या हालत मफूलियत में है या मुदाफ इले की हालत में है ऐसा ये काम है एराब हमें यह समझाता है अब एराब की अपनी ना वो कुछ पहचान है की अपनी आइडेंटिटी है अब हमने कहा कि अगर ये ऐसा है तो हम कहेंगे ये हालत रफ में है हम कहेंगे ये हालत में है ये मैंने पढ़ाया है जो मुझे आज पढ़ाना है ये जरूरी है कि मैं उसके लिए ये थोड़ा सा रिपीट कर करूँ मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारा कोई कलमा अगर हमारा कोई इसम हमारे जुमले में एज सब्जेक्ट यानी फाइल के तौर पर है इन्हें काम करने वाला है तो हम कहेंगे वह है फाइल हमेशा हालत रफ़ी में होगा दूसरे अल्फाज में अगर मैं यूं कहूँ कि हालत रफ़ी को हालत फ़ाइलियत कहते हैं या फ़ाइलियत को हालत कहते हैं या हालत रफी हालत फाइलियत होती है सब्जेक्ट की हालत होती है तो बिल्कुल ठीक है यानी कि हालत फ़ाइलियत सब्जेक्ट होने की हालत जरूर करेंगे रफ़ीयत से अब इस रफ़ीयत की एक पहचान है पहचान कैसे पहचान क्या है जी देख लीजिए इसकी पहचान ये होती है कि अगर ये हालत रफ्ती में होगा जब इसके ऊपर दम होगा इसके ऊपर ये एक निशानी है ये एक ने हरकत यहाँ आ, आ गया अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा हरकत और चीज है और ये और चीज हाँ जी हरकत और चीज है लेकिन हम जब ये करते हैं जब हम जुमले बनाते हैं ना तो इन हरकत के जे, चेंज करने से ना माना बिल्कुल बदल जाता है मैं ये कहता हूँ कि सब्जेक्ट पे हमेशा दम आएगा या एक या एक पेश आएगा या दो पेश वाला तनवीन आएगा या फिर उसके साथ नून होगा सॉरी वाव होगा नून ही वाव लिखा मैंने वाव और नून उसके वाव होगा ये तीन चीजें हालत रफ्ती की निशानियां हैं सब्जेक्ट होने की अलामतें यही तीन समझ रहे हैं मेरी बात सब्जेक्ट होने की फायदे ठीक है जी ये तीन अलामतें हैं जैसे हमने कहा था हमने जब बनाया था मुस्लिम उनसे जमे मुजक्कर सालिम हालत रफीमत नस्बी में हालत जर्री में तो हम कहते थे ना ये मुस्लिम है अगर हालत मतलब क्या होगा जब भी ऐसे सब्जेक्ट काम कर रहे होंगे तो हम क्या कहेंगे मुस्लिम आप इसमें ये वाव देख देख रहे हैं आप इसमें वाव देख रहे हैं मतलब ये हुआ ये वाव क्या डिनोट कर रहा है कि मुसलमान काम कर रहे होंगे ये काम करने वाले मुसलमान ठीक है जी? और हमने कल बात करी थी हालत मफूलियत किस, किस हाल को हालत मफूलियत को हालत नस्बी कहते हैं जब एक person, काम कर रहा होगा तब हम कहेंगे हालत नस्बी में है हालत नस्बी में है ने? मफूल होने की हालत में ऑब्जेक्ट होने की हालत में इसकी निशानी क्या होती थी या एक या फिर आखिर में अलिफ होगा, ठीक है? हमने क्या कहा था मुस्लिम का क्या हालत नस्बी में क्या जमा बन रहा था जी कोई मुस्लिम हालत नस्बी में इसका क्या बनेगा जमा मुज्कर सालिम जी मुस्लिम। हाँ जी क्या बोला मुस्लिमीना नाम जी मुस्लिमी इस पे आपको आखिर दिख रहा है सर। दिख रहा है ना जी सर जी जी असल में ना असल में देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें है वो जो मैं अभी नहीं पढ़ा है वो आप लोगों को और वो इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे यहाँ भी आप लोग देखेंगे ना कि यहाँ भी या है और नस्बी में या नहीं आता ये चीज इंशाल्लाह आगे सीख जाएंगे वो मैं वो अभी मैंने आप लोगों को नहीं बोला है हम आगे जाके इंशाल्लाह तआला सीख लेंगे जैसे अभी अह हालते जदी की हम बात करते थे हां होता है जब एज मुजाफले काम कर रहा होगा एज मुजाफले काम कर इसकी एग्जाम्पल क्या कहती होती थी सॉरी इसकी अलामत क्या होती थी या तो एक जेर होगा या दो जेर होंगी में या होगा या होगा यह या हालत यानी मुजाफिल होने की हालत ऐसे अभी आप लोग अगर सुरे फातह की पहली आयत पढ़ लेंगे ना अलहमद रबीमी ठीक है जी रबालमीन असल में क्या है ना असल में था अब लेकिन आप कुरान में देखेंगे तो वहां है क्यों टाइम के बाद अभी मैं इंशाल्लाह आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ही मिनट्स में वो आप समझ जाएंगे इसमें यहाँ पे बाप जेर क्यों आई क्योंकि हमने पता ना मुजाफ और था जैसे पर पे मैंने पेश रखा था ऐसे पहले आलमीन ठीक है जी अब यहाँ देखे आलमीन का आलमीन क्या है मुजाफिले रब क्या है मुजाफ इस मुझाफ इले आप पे आपको याद दिख रही है आलमीन में याद दिख रही है हालत जदी की निशानी है कि नहीं है? है ना जी तो ये मुजाफिले होने की हालत में है या ये या यहाँ पे यही चीज नोट कर रहा है कि ये आलमीन जो है मुजाफ बन रहा आलमीन मुजाफिल बन रहा है किसका मुजाफिल बन रहा तो चलिए आई ये थोड़ी सी बात ये हमने परसों करी थी ये बातें अब हम आज की बात कर लेते हैं इस एराब के एतबार से ना एराब बदल बदलता रहता है तभी आपने देखा मान लीजिए जैसे मान लीजिए अगर मैं यूं कहूं अगर मैं यूं कहूं जाद्दन जैद जाएद आया राय टू जायदिन मरर टु बेजायदिन मैंने तीन सेंटेंसेस लिखे आपके स्क्रीन पे आप लोग मुझे बता दें जैद इन तीनों सेन्टेंस में जैद किस यूज हो रहा है एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है और फिर मुदाफ अले होने की हालत में किस सेंटेंस में है हालत जदी में किस में है? हालत में किस में मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है सर आपके यहाँ कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी इसलिए स्क्रीन दे रहा हूँ वरना स्क्रीन तो शेयर हाँ जी आप प्लीज एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन हो जाइए हाँ जी आप कोई एक बताइए मुझे अनम्यूट अनम्यूट करके मुझे बताइए इन तीनों सेंटेंसेस में किस सेंटेंस में जेड एज सब्जेक्ट काम कर रहा है और एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है और तो में किस में और हालत जदी में किस सब्जेक्ट में हाँ जी कोई एक बता दे या मैं पूछूं जी सर पहला वाला हालत रफी में है दूसरा वाला है जी, जी माशा तो देख अब ये तीन आपने देख लिया इसका चेंज हो गया ना यहाँ पे इस पे दो पेश है यहाँ पे दो जबर है यहाँ पे दो जेर है हुआ नहीं हुआ? अब देख लीजिए मैं और तीन सेंटेंस लिख रहा हूँ यही बिल्कुल जैसे मैंने लिखा था अब अगर मैं यूं लिखूं जा हाजा राय तो हाजा मरर तुबिहाजा तो मरर तुबिहाजा तो क्या इन तीन सेंटेंसेस में आप आ, आपको दिख है कहीं चेंजिंग आ रही है हाजा में नहीं आ रही चेंज हाँ जी। नहीं आ रही चेंज तो आप देख लीजिए हालत रखी में भी इस हाज़ा का जो मतलब एराब दिख रहा है ना हमें हालत हालत यहाँ है वही हालत यहाँ भी है वही सेम हालत यहाँ भी है कोई चेंज नहीं आ रहा समझ रहे ना आप यही चीज हम समझने जा रहे हैं कि ये क्या हो कैसे होता है हम समझने जा रहे हैं तो इन एराब की वजह से जो जो आखिर है ना जो वो कलमा जिसका आखिर बदलता है जायद के दाल का ना आखिर बदल रहा था कभी जायदन था कभी जायदुन था ये बाकी जा और या सेम था ना बस दाल में चेंज आ रही है कभी जायदिन ये आखिर जो बदल बदल रहा है ना इसको बोलते हैं मामूल 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 ठीक है जी जो बदल रहा है इसको सॉरी जो ये पूरा इसम जो बदल रहा है इसमें आखिर बदल रहा है उसको बोले मामूल मामूल वो इसम जिसका ये आखिर बदल रहा है उसको बोलेंगे मामूल जिसकी वजह से बदल रहा है उसको बोलेंगे, आमिल जो अमल कर रहा है इस पर जिसकी वजह से बदल रहा है वो मैं भी समझा दूंगा किसकी वजह से बदल रहा है उसको बोलेंगे हम आमिल ठीक है जी अब देख लीजिए अब जिस कल का आखिर आमिल की वजह से बदलता है आमिल में भी समझाऊंगा ये क्या मतलब कौन इसमें कौन आमिल है आमिल मतलब जिसकी वजह से बदल रहा है। जिस कलमे में जिस कलम का आखिर का आखिर आमिल की वजह से बदल आमिर की वजह से बदलता बदलता रहता है ठीक है जी जैसे अभी जायद था ठीक इसको हम कहेंगे इसको हम कहेंगे मुआरब मैं यूं बताना चाहूँगा ये थोड़ा इज़ एज, इज़ी बना के कि एक कलमा एक कलमा पे ना एराब का इफेक्ट एराब की वजह से ठीक है जी एरब की वजह से उसका आखिर बदल भी सकता है और जाहिर नहीं भी बदल सकता असल में और ईजी बना के आमिल की वजह से जिसका आखिर नहीं बदल जैसे भी हमने कहा था जैदुन का बदल रहा था और हाजा का नहीं बदल रहा था जबकि सेम बाकी सेंटेंसेस के बाकी पार्ट सेम थे लेकिन जैदुन का बदल रहा था और हाजा तो ये जिस कलमे का आखिर बदल जाए उसको हम मरब कहेंगे मरब जिसमें एरब बदल रहा है मरब और जिसका आखिर नहीं बदले उसको कहेंगे मबनी मबनी जिसका आखिर नहीं बदलता उसको कहेंगे मबनी जो हर हालत में हालत रफी में भी वही शक्ल इख्तियार करे हालत नसबी में भी वही शक्ल इख्तियार करे हालत हो ऐसे कईमुख को मबनी कहेंगे मबनी जिसका एराब कभी बदलता नहीं उसको कहेंगे मबनी मबनी और जिसका बदलता रहता है डिफरेंट कंडीशन में उसको कहेंगे हम मुआरब उसको कहेंगे हम मुआरब जैसे देख लीजिए अभी मैं मैं फिर लिख रहा हूं जैसे मैंने लिखा था जाने जैद आया मतलब जैद आया जैद आया ठीक है जी अब राय तो जैदन आप लोगों को मैं बता दूं मैं इसलिए ये और आराम से पढ़ा रहा हूं मैंने आज भी कल का पिछली क्लास का थोड़ा सा इसलिए मौलाना नाशि साहब आए थे मुझे नहीं पता अभी है नहीं कि नहीं क्योंकि मैं अभी वाइट स्क्रीन को देख रहा हूँ शायद होंगे इनसे भी पूछेंगे ना हाँ अभी यही है पूरी अरबी में नबनी ही मान लीजिए ऐसा है कि जो Uh, समझने के लिए समझने के लायक चीज़ जो ज़रूरी समझनी चाहिए अगर ना तो फिर बहुत दिक्कत होगी फिर बहुत मुश्किल हो, होती है इसलिए हम इसलिए मैं मुआरब और मबनी पे इतना ज़्यादा ना वो डिटेल समझा रहा हूँ हो सकता है कि मैं इसी पे दो तीन क्लासेस और समझ आ जाए मुआरब और मबनी अगर हम हमारा क्लियर हो जाता है फिर इन बाकी सारी बातें आसान हो जाएंगी यानी ऐरब अगर हमें समझ में आए रायतु सॉरी राय तो जैदन राय तो जैदन जैदन नहीं जैदन राय तो जैदन और जिस तरह क्या लिखा था मैंने भी मरार तो भी मरार तो भी जैदन देखिए पहले सेंटेंस में जा आ जैद यानी ना आया दूसरे आ, जो है ना राय तो जैदन मैंने जैद को देखा मैंने जैद को देखा तीसरा सेंटेंस मर्रैद के पास से गुजरा में देख आप जरा देख लीजिए आप यहाँ पेद हालत फ़ाइलियत में है हालत रफ़ी में है या हालत जरी में है। तो जैद क्या है जी मुआरब है क्यों मुआरब है क्योंकि जैद का आखिर बदल रहा है किसकी वजह से बदल रहा है आमिल की वजह से। में आमिल चीज़। ठीक है इस जा आज से ना जैद पर दूसरे में देखिये आपने जैद को देखा यहाँ पे जैद का क्या ये अभी क्या है क्या अराब है इस पे नालत नस्बी में है किसकी वजह से किसकी वजह से इस पे नसब आया इस रायतु की वजह से रायतु क्या हो गया आमिल, आमिल. ठीक है जी रायतु हो गया आमिल अंची? और ऐसी मरर तो इस जैद पे अब क्या आया दो पेश जर आया किसकी वजह बाघ की वजह से हरफे जर बाकी की वजह से इंशाल्लाह हम हरफे जर पढ़ेंगे जो इस पे जर देते हैं उनको कहेंगे कहेंगे हम हरफे जर ठीक है जी एक साथ ये जार जर, जार है 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 और मजरूर है ऐसे क्लिमा को जिसका आखिर आमिल की वजह से बदलता रहता है जब आमिल बदले तो आखिर भी बदलेगा अभी यहाँ आमिल जा था तो हालत रफा था यहाँ इसपे क्या आ, कौन सा रफा था जब हमने आ, इसका आमिल बदला हमने आमिल क्या किया तो किया आमिल? तो अब क्या आया इस पे कौन सा अमल हुआ अब ये नस्बी में आ गया ठीक है जी जब हमने तीसरे सेंटेंस में इसका आमिल फिर से बदला एक हरफे जर आमिल बा रखा तो इस पे जर आया ठीक है जी तो ऐसे को जिसका आखिर आमिल के बदलने से बार बार बदल जाता है उसको कहेंगे हम ये मरब है ये हम ये मुआरब है ठीक है जी अब मबनी मैं समझा रहा हूँ बस मैं भी डेफिनेशन समझा रहा हूँ मैं हम मुआरब और मबनी पे हम अच्छी खासी डिस्कशन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह अगली क्लासेस में आप लोग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अब मबनी किस चीज़ को कहेंगे हम मबनी मबनी मतलब जिसका आखिर बदले नहीं कोई भी हालत हो ये बस अपनी शक्ल अपनी शेप रिटेन कर करेगा जैसे मैंने लिखा था अभी जा ये आया ये आया ठीक है जी राय तो हाजा मैंने इसको देखा राय तो हाजा मैंने इसको देखा, देखा। मर तो बिहाजा, मैं इसके पास से गुजरा मैं इसके पास से गुजरा जी, यहाँ पे क्या है हाजा क्या है भी हालत रफा में है यहाँ पे हाजा हालत नसब में है यहाँ पे हाजा हालत जरी में लेकिन दिख रहा है कहीं हाजा की वही शेप यहाँ भी है हाजा की वही शेप यहाँ भी है हाजा की वही शेप यहाँ भी है जबकि अः इससे पहले हमने जैद के साथ जब जा लगाया था तो वहां पे जब हमने राय तो लगाया तब नसब आया था जब हमने यहाँ पे हरफे जर बाल लगाया था तब जर आया था लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं इस हाजा पे कोई चेंज हो ही नहीं रहा इस हाजा में कोई चेंज आ ही नहीं रही तब्दीली आ ही नहीं रही तो ये हाजा क्या हुआ जी ये मबनी है हाजा क्या हुआ जी ये मबनी है यानी मबनी अब क्या हम किसको कहेंगे वो वो आग जिसका जिसका जो बदलेगा ही नहीं जी? जिसकी हालत सेम रहे आप किस हालत में चुणे? इसका इसके इसका आखिर बदलेगा ही नहीं इसका आखिर जिसका आखिर बदले ही नहीं उसको हम कहेंगे ये मबनी है उस मबनी है तो आमिल किसको कहेंगे कहते हैं मुआरब में ना में जिसकी वजह से ये तब्दीली आए उसको कहते हैं आमिल जैसे यहाँ आमिल है जा कैसे आमिल हुआ कैसे हुआ हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे ये राय तो यहाँ आमिल है और यहाँ यह हर फिजर बा आमिल है इस बा की वजह से जर आता है वजह से जैद में नसब आया था जा की वजह से जैद में रफा आया था ठीक है जिसको कहेंगे आमिल और मामूल किसको कहेंगे हम जिसमें आमिल की वजह से अराब में तब्दीली आ जाए उसको कहेंगे मामूल ऐसे भी जैदन था जायदुन क्या हुआ मामूल उसमें आमिल की वजह से चेंजिंग आई उसको कहेंगे हम मामूल उसको कहेंगे हम पुलिस अमल अपना काम कर रहा है अपना अमल कर रहा है उसको कहेंगे हम मामूल ठीक है जी ठी? इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें क्योंकि अभी कुछ मिनर्स बच्चे हैं अभी मीटिंग एंड होने वाली है इसलिए आप बता दे, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो बता दे वरना मैं क्लास मामूल जी, जी, कर, जिस, जिस कर रहा है ठीक है जी जब किसी मौ, किसी मोरब को हम एक सेंटेंस में ला रहे हैं उस, उस आमिल की वजह से ना इस मोहरब में जब चेंज आए तो हम कहेंगे मोहरब को हम मामूल कहेंगे ने ने जैसे मफूल फाइल जब किसी पे काम कर रहा है तो उसको ऐसे जब आमिर काम कर रहा है उसको मामूल ठीक जी जी ये आगे वाली क्लास में, में और आप किसी को और किसी को कोई कंफ्यूजन और मोरब में क्या फर्क है मामूल और मोरब में क्या फर्क कर रहा था इंशाल्लाह मैं कल समझा दूंगा अच्छे से डिटेल में ठीक है सर ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे माशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कल डिटेल में समझा दूंगा किसी और कोई कंफ्यूजन को है किसी और को कोई कंफ्यूजन है जी सर जी बताइए है कंफ्यूजन नहीं सर जी अभी हमारे पास टाइगर हैं अभी हजरत नासिर फिर मोला नासिर फिर साहब सर मुजाफर मुजाफिल है थोड़ा बताएंगे हाँ जी क्यों नहीं बता दूंगा मैं बता दूंगा मुजाफर मुजाफिल अच्छा। जी देख लीजिए मुजाफर मुजाफिल क्या होता है मैंने बहुत समझाया था पिछली शायद आप पिछली में नहीं थे तो सुन लीजिए अगर मैं यूं कहूं आदिल का पेन आदिल का पेन ठीक अदनान की कुर्सी अदनान की चेयर ठीक जरा है ना पेन की इजाफत किसके साथ की जा रही है पेन की निस्बत किसके साथ दी जा रही है आदिल के साथ है ना और आप अनम्यूट करिए जिससे क्वेश्चन पूछा करिए। जल्दी कुछ मिनट से बचे हाँ जी, जी देखिए इस पेन की इजाफत इस पेन की नस्बत आदिल के साथ की जा रही है यहाँ पे इस कुर्सी की नस्बत अदनान के साथ की जा रही है जिसकी इजाफत किसकी इजाफत की जा रही है ऊपर वाले सेंटेंस में किसकी नस्बत दी जा रही है पेन की नस्बत ना जिसकी इजाफत की जाए उसको कहेंगे मुजाफ उसको कहेंगे मुजाफ जिसके साथ इजाफत की जाए उसको कहेंगे मुजाफिले